दोस्तों सोशल मीडिया का जमाना है, लोग जो चाहे वो बोल सकते हैं, अपडेट दे सकते हैं, लेकिन क्या चीजें गलत है क्या सही है आपको अपने तरीके से अपने माइंड से डिकोड करना चाहिए उसको, कि ये जो चीजें है गलत बोला जा रहा है या फिर सही बोला जा रहा है आपको अपने तरीके से सोचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर अफवाह फैलाने के लिए सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया पर यहाँ पे ऑथेंटिक चीजें भी उपलब्ध रहता है जिसके प्रूफ के आधार पर आप उसे डिकोड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एलआरसी बिहार से रिगार्डिंग में, और बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं भ्रमित हो गए हैं कि एलआरसी बिहार से रिगार्डिंग पिटीशन फाइल कर दिया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसी लाइन में क्लियर कर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भ्रमित मत होइएगा। यहाँ पे जो भी इन सभी पोस्ट के रिगार्डिंग में जो भी वैकेंसी आया है इसके रिगार्डिंग कोई भी केस फाइल नहीं किया गया, कोई भी पिटीशन यहाँ पे फाइल नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भ्रमित मत होइए, आपको टेंशन दिया जा रहा है आपको यहाँ पे व्यूज लाने के लिए या फिर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या फिर अपने चैनल को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो हमारे सब्सक्राइबर यहाँ पे बहुत सारे एलआरसी बिहार से रिगार्डिंग अपडेट के लिए वेट करते रहते हैं, और यहाँ पे मैं आप लोग को बतला दूं, शायद आप लोग दिग्भ्रमित हो भी गए होंगे अभी तक कि यहाँ पे जो पिटीशन फाइल किया गया है इस वैकेंसी से रिगार्डिंग, लेकिन इस वैकेंसी से रिगार्डिंग कोई भी पिटीशन फाइल नहीं किया गया है, और इसके जानकारी हमें दिए हैं आदित्य पनिहार जी ने, इसके रिगार्डिंग हमें अपडेट दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे उन्होंने जो सभी डिटेल है प्रोवाइड कराया गया है केस नंबर से रिगार्डिंग और इन सभी से रिगार्डिंग। तो इस वीडियो का क्रेडिट जाता है आदित्य पनिहार को, उन्होंने हमें अवगत कराया है कि ऐसा कुछ यहाँ पे जो अफवाह फैलाया जा रहा है। और सच में मैंने जब यहाँ पे एलआरसी बिहार से रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट के बारे में सर्च किया तो सच में यहाँ पे बहुत सारे अपडेट यहाँ पे जो फेक अपडेट है यहाँ पे फैलाया जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग में हम बात करेंगे। और थोड़ा सा और वीडियो लंबा होगा क्योंकि ये यहाँ पे मैं आपको जिस केस नंबर के बारे में बात किया जा रहा है उसको इस नंबर को डिकोड थोड़ा सा हम कर दे रहे हैं, उसके बाद में वीडियो एंड कर देंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपनी तरफ से लाइक कर सकते हैं, अगर बुरा लगेगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि इस वैकेंसी से रिगार्डिंग जिस वैकेंसी का फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है उस वैकेंसी से रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पे जो है केस दायर नहीं किया गया है, कोई भी पिटीशन फाइल नहीं किया गया है, तो ये आप कंफर्म हो लीजिए। आपको मैं यहाँ पे बतला दे रहा हूँ कैसे चेक किया जाता है केस का स्टेटस, ये भी जान लीजिएगा, और साथ में इसके रिगार्डिंग जो बताया जा रहा है, जो अफवाह फैलाया जा रहा है वो भी डिकोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम हैं पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आपको केस स्टेटस वाला चेक सेक्शन पे चले जाना है, और यहाँ पे सिविल केसेस के अंडर में ये केस आता है, ठीक है। मतलब इन सभी केस से रिगार्डिंग जो केस है वो सिविल केसेस के अंडर आता है, तो आपको यहाँ पे सीडब्ल्यूजेसी जो है सिविल रिट ज्यूरिसडिक्शन केस है इस पे आपको क्लिक कर देना है, इसी टाइप का ये केस है। तो यहाँ पे केस नंबर डाल देना है जो कि आप देख सकते हैं 14305 है, ये केस नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे 2019 ईयर में इसको फाइल किया गया है इस केस को, तो इसी केस के रिगार्डिंग अफवाह फैलाया जा रहा है, और यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप जो ही यहाँ पे आइएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केस नंबर बताया गया है CWJC 14305, और यहाँ पे जो पिटिशनर है जो याचिकाकर्ता है सोनू कुमार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने पिटीशन फाइल करवाया है, और यहाँ पे स्टेट ऑफ बिहार के खिलाफ में यहाँ पे पिटीशन दायर किया गया है। प्रेजेंट स्टेटस जो है पेंडिंग दिखा रहा है आपको, और एक्शन का डेट 24 जुलाई 2019 दिखा रहा है, और इस कोर्ट से रिगार्डिंग जो जस्टिस है मिस्टर ज्योति शरण है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को बतला दूं कि जो रिस्पोंडेंट नेम है जो जो विभाग रिस्पोंडेंट है इसके लिए उसका नाम दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एडुकेशनल के रिगार्डिंग भी यहाँ पे है, ये भी विभाग इसमें शामिल है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकनो एंड सर्वे भी इसमें शामिल है, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट भी शामिल है, और साथ में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और यहाँ पे लास्ट में शामिल हुआ है रेवेन्यू एंड लॉ एंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो ये सभी जो डिपार्टमेंट है इसमें शामिल है, जो कि 40% रिजर्वेशन देता है उन कैंडिडेट को जो कैंडिडेट यहाँ पे बिहार के सरकारी कॉलेजेस से डिग्री लिए हुए हैं, क्वालिफिकेशन लिए हुए हैं, तो उसी से रिगार्डिंग केस है। तो आप बोलेंगे कि पता कैसे चला कि ये जो केस है उससे रिगार्डिंग है, तो आप नीचे आइएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कोर्ट का नाम और पिटिशनर का नाम, और साथ में रिस्पोंडेंट का नेम यहाँ पे द स्टेट ऑफ बिहार दिया गया है, ऑर्डर का डेट यहाँ पे 18 जुलाई 2019 को दिया गया है, जो ऑर्डर दिया गया है उसे आप देख लीजिए। इस पर आप ओपन मतलब कि व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो ये वाला PDF ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सोनू कुमार वर्सेज द स्टेट ऑफ बिहार लिखा गया है, यानी सोनू कुमार यहाँ पे पिटिशनर है और स्टेट ऑफ बिहार के रिगार्डिंग यानी खिलाफ में इन्होंने पिटीशन दायर किया हुआ है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो हमारे एडवोकेट हैं मिस्टर रविंद्र कुमार, उन्होंने बताया है कि जो 40% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिल रहा है बिहार के सरकारी कॉलेजेस से डिग्री लेने वाले कैंडिडेट को, उसके रिगार्डिंग में ये केस है, और ये जो केस है BTSC यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के केस से रिलेट किया जाता है, उसके साथ ही लिस्ट किया जाता है। ये देख सकते हैं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का केस नंबर 9887
और 2019 है ईयर, तो ये केस जो है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का है, और ये जो केस है सोनू कुमार वर्सेज द स्टेट ऑफ बिहार, ये केस बिहार एलआरसी और सभी डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग है, केवल बिहार एलआरसी ही इसमें शामिल नहीं है। तो ये दोनों केस जो है यहाँ पे रिलेट किया जाता है और इसके रिगार्डिंग में जो फैसला आएगा आगे आएगा, लेकिन प्रेजेंट वैकेंसी से इसका कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आने वाला है उसको तैयारी हो रहा है, वो अपने टाइम पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश किया है, लेकिन आप इस डिकोड से संतुष्ट हैं या नहीं वो तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बात मैं आपको 110% बतला दूं कि इस वैकेंसी से रिगार्डिंग कोई भी केस नहीं किया गया है, आप इतना बात याद रखिएगा और आपको दिल को तसल्ली मिलेगा। और इसलिए भी मैं ये बातें आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे अफवाह से टेंशन में आ जाते हैं, और जो हमारे सब्सक्राइबर आदित्य पनिहार हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं कि उन्होंने इसके बारे में मुझे जानकारी दिया, ताकि सभी कैंडिडेट का यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। तो यहाँ पे एलआरसी बिहार तैयारी में है, जल्द ही आपके फाइनल मेरिट लिस्ट को जारी कर देगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक और क्लू मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आप बताइए कि 20 जून को ये पेटीशन फाइल किया गया 20 जून को, लेकिन उसके बाद में आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर में अपडेट दिया गया है, हमारे भू राजस्व मंत्री भी इसके रिगार्डिंग में अपडेट दे चुके हैं कि इसके लिए जल्द ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो अगर उन्होंने यहाँ पे अपडेट दिया है, अभी 10-15 दिन पहले का अपडेट भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, बहुत सारे न्यूज़पेपर का कटिंग भी मैंने दिखाया हुआ है, अगर ये अपडेट दिए हैं तो वो नहीं बोल सकते हैं क्या कि जो है पिटीशन फाइल कर दिया गया है इसलिए देरी लग रहा है। लेकिन उन्होंने बताया है जो रिव्यू का काम है वो जारी है, अभी अच्छे से चेक किया जा रहा है फाइनल मेरिट लिस्ट को, ताकि कोई भी गड़बड़ी का सामना ना करना पड़े। तो उन्होंने ये ऐसा कुछ बोला है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोला है कि उन्होंने कि पिटीशन फाइल हुआ है। एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि क्या सभी एलआरसी बिहार से रिगार्डिंग अपडेट का यूट्यूब चैनल वाले ही जिम्मा ले रखा है, क्या उन्हीं को अपडेट केवल मिलता है, हमारी जो न्यूज़पेपर एजेंसी है उनको कोई यहाँ पे अपडेट नहीं मिलता है। आप लोग यहाँ पे जो ये जो वैकेंसी है इसको बहुत छोटे लेवल का समझ रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल का वैकेंसी है बिहार एलआरसी, ठीक है। यहाँ पे आपको जितना वैकेंसी है बहुत बड़े लेवल का है, और यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है, यहाँ पर अगर कुछ भी उंगली उठता है तो सबसे पहले न्यूज़पेपर में यहाँ पे हाईलाइट कर दिया जाएगा, छोटा सा भी अगर कोई भी मंत्री अगर बात बोलते हैं एलआरसी बिहार से रिगार्डिंग तो बड़े बड़े आर्टिकल में बनाकर लिखा जाता है। अगर इस पर पिटीशन फाइल हो जाएगा तो यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया जाएगा क्या, आप क्यों बुद्धू बन रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो आप लोग यही कहेंगे कि आपको यहाँ पे सतर्क रहना है, कोई भी यहाँ पे दिग्भ्रमित नहीं होना है, और आपको अफवाहों से बचे रहना है, बस यही आपको सलाह देना था। जब आने वाला है तो आएगा ही, आप वेट किया कीजिए थोड़ा सा, अगर आपने काउंसलिंग में गए हैं तो थोड़ा सा मेहनत किए तो थोड़ा सा वेट कर लिए, सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। और क्या हम आपको बताएं, जो बोलना होगा आप बोल सकते हैं कमेंट में, वैसा कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।